हम लोग ने सोचा नहीं था ना, वो बाहर का ऑस्ट्रेलिया का जो बाउंस विकेट है उधर, अभी इधर होम ग्राउंड में अच्छा नहीं हुआ था, तीनों मैच में हार गया था हमारा इंडिया। हम लोग ने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उधर बाउंस विकेट में जो हार्डवर्क किया आफ्टर वो लूज होके ना, उस टाइम अच्छा खेला हमारे इंडिया। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली वो फॉर्म में आ रहे, अभी रोहित शर्मा भी गया है, वो जो बाउंस विकेट पे अच्छा खेलेगा, उसका रिकॉर्ड अच्छा है। कोहली का तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बाउंस विकेट में थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा ही था, पर थोड़ा पहले तो बहुत इंजरी हुआ था हम लोगों को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और उधर का प्लेयर और वो फैंस लोग बोला था इंडिया का इजीली हम लोग डोमिनेट करेंगे बोल रहा था, 5-0 से हराएगा बोल रहा था, पर जो परफॉर्मेंस दिया हम लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बाउंस विकेट पे ऐसा परफॉर्म करेगा, और खुशी लगा सुन के। हम स्कोर देख रहा था, खेला हुआ भी देख रहा था, अच्छा खेला इंडिया। विराट कोहली को ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो अभी पिछले बार नहीं खेल रहे थे ना, इसलिए वो इस बार अच्छा खेला। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाते ही पहले ही मैच इतना बिग विक्ट्री, उसका बहुत अच्छा लगा, हमें भी खुश लगा, उसको भी हमने देखा ना उसका मैच, अच्छा खेला था विराट कोहली ने। थैंक यू। आप ऑस्ट्रेलिया में मैच बहुत डिफिकल्ट होता है ना, ऑफकोर्स बहुत सी पिच होता है, बट वहाँ पर इतनी बड़ी जीत हासिल करना, आप भी क्रिकेट खेलते हो, कितना बड़ा पल है, कितना इम्पोर्टेंट है, और कितना यू नो डिफिकल्ट होता है वहाँ, चैलेंजिंग है वहाँ जीतना, और ये कितना इम्पोर्टेंस है इस जीत का, क्या कहें? इंडिया मुझे अच्छा लगा क्योंकि इंडिया जीत गया कल। मैंने सोचा नहीं था विराट कोहली सेंचुरी मार देगा, लेकिन विराट कोहली ने सेंचुरी किया। यशस्वी जायसवाल ने भी सेंचुरी किया, बुमराह का भी परफॉर्मेंस अच्छा था, कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? विराट कोहली। बुमराह ने भी जो बॉलिंग किया उसको लेकर क्या बोला? उसने अच्छा बॉल किया, विकेट भी अच्छा लिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने 495 पहला क्या वो न्यू बॉल था, न्यू ओपनर्स, वो हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, वो बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलिंग करता है वो उधर उसके पिच पे, पर ये तस्वीर में जाके अच्छे से पारी संभाला, फर्स्ट इनिंग पे 0 पे आउट हो गया था, पर बाद में वो देख के केएल राहुल ने भी पार्टनरशिप अच्छा दिया, 67-71 अच्छा दिया, पर यशस्वी जायसवाल अच्छा खेला, फ्यूचर में वो डेफिनेटली अच्छा करेगा या इंडिया टीम के लिए बस बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर आ गया है। बहुत अच्छा खेला है इंडिया ने, यशस्वी जायसवाल ने 161 रन मारे दूसरे इनिंग्स में, पहले इनिंग्स में ज्यादा अच्छा नहीं खेला था, फिर बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, बहुत अच्छा खेला टीम इंडिया ने, ऐसे ही खेले तो अच्छा है। जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया में तब 36 पे ऑल आउट होके आए थे, अभी भी हमने कम बैक किया था उस टाइम पे भी, और इस बार हम लोग 150 पे ऑल आउट होके भी इस बार भी हम लोग कम बैक करके जीतेंगे। कम ऑन इंडिया, WTC उठाना इस साल। हाँ, यशस्वी के बारे में क्या कहना चाहोगे? यशस्वी कभी अपना विकेट नहीं फेंकता और बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है। आज के मैच के बारे में क्या कहोगे? आज इंडिया जीतेगा। अच्छा, और तो चीयर कर रहे हो सब लोग? या हाँ, जीतेगा 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 इंडिया जीतेगा 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 इंडिया जीतेगा। पहले मैच देख लेते हैं, ये तो दिख नहीं मिला, पहले MCF जीतेगा फिर इंडिया। लोगे ना तो वो लग जाएगा, कैच हो जाएगा, उनका गेम चल रहा है ना तो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, एक एक करके अभी फोर सेफ्टी साइड है ना, एक एक करके ले लो उनका। ठीक है, बात करोगे या डिस्टर्ब हो रहे हो? सच सच बताना। हाँ, जिनका बैटिंग नहीं है वो बात करो, एक एक करके आना अभी। समझ नहीं।
कौन है बाबा? बुमराह। फ्यूचर बुमराह चलो 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 ध्यान देना। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा यहाँ से आ जाओ, ऐसे ऐसे रेडी रहा और थोड़ा ये साइड पे आ जाओ और आ जाओ चलेगा कैप निकाल लेना। हाँ ये रहेंगे, एक मिनट निकाल दी दो कैप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 95 से देता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो चलो बुमराह। हेलो धोनी क्रिज तक पहुंचने का देखो, मारेगा उस स्टंप पे, ध्यान दे आहिस्ता जा रहे हो। अपन लाइव टीवी पे दिख रहे हैं, ठीक है। मैं तो बोल जाऊं इंडिया ने आप ये साइड में लिख रहा, आप लोग मत बोलो पीछे मत, थोड़ा सा करके एक एक करके हां एक एक करके। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया है, क्या कहना? बढ़िया खेलते हैं इंडिया, जयसवाल ने अच्छी बैटिंग की, विराट कोहली ने एंड में आके एक सेंचुरी मार दी थी। पहले इनिंग में इंडिया की बैटिंग थोड़ी ठीक ठाक थी, इतनी अच्छी नहीं थी, पर सेकेंड इनिंग्स में जो इंडिया ने खेला है मज़ा आ गया। और बॉलिंग में तो बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद देखे तो सिराज, और फर्स्ट इनिंग में डेब्यू करने वाले नितेश रेड्डी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। कैसे देखते हो आज की जीत को टीम इंडिया को? कुछ दिनों पहले ही न्यूजीलैंड का मैच हुआ था वानखेड़े में, जहां से लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि टीम इंडिया व्हाइट वॉश हो गया। आज के मैच को कैसे देखते हो, आज की जीत को कैसे? बहुत ही अच्छा है, और वर्ल्ड कप में जो गलतियां हुई थी वो इस बार नहीं हुई, और इस अगले साल का या अगले साल का T20 वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। अरे यार कैसे कौन आउट हो गई? आज के जीत के बारे में बताओ टीम इंडिया के, तुम खुद खेलते हो कैसे देखते हो आज की जीत? इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, पहले इनिंग्स में इंडिया को ज्यादा अच्छी नहीं दिखी, लेकिन दूसरे इनिंग्स में जो इंडिया ने खेला सब इंडियंस खुश हो गए। और जैसे अपन देख सकते हैं जयसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जयसवाल इसी ग्राउंड में खेला हुआ है इसलिए हमें बहुत खुशी होती है कि उसने इतनी अच्छी बैटिंग की, और विराट कोहली में एंड में आके बहुत अच्छी बैटिंग की, उसने भी एक सेंचुरी मारी, और बुमराह ने भी सेकेंड इनिंग्स में अच्छे विकेट्स लिए, और उसका उसका उसको मदद करते करते सिराज ने भी अच्छे विकेट्स लिए, और हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की, उसने बहुत डॉट्स निकाले और अच्छे मेडल्स निकाले। T20 मतलब वर्ल्ड कप हम लोग हारे थे तभी तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इंडिया अभी फाइनल इतनी खेलते आई है तभी भी फाइनल में कैसे आ गए वर्ल्ड कप, ये समझ में नहीं आ रहा था। आज तो जीत गई ना, हाँ आज के बारे में जीत गई, हार के बारे में छोड़ो जीत के बारे में। हाँ जीत, टेस्ट मैच में भी कोहली ने सेंचुरी मारी, फिर कल के मैच में KL राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी प्लेइंग की, और बुमराह ने भी अच्छे विकेट लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।